हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आपने सुना है कि दूध पीने से सेहत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कच्चे दूध को त्वचा पर लगाएंगे तो आपकी त्वचा खिल उठेगी, एकदम से बहुत सुंदर हो जाएगी आपकी त्वचा, पार्लर जैसा ग्लो आपको घर बैठे देगा ये कच्चा दूध। तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, देखिए, ब्लैक हेड्स, डलनेस, अनस्किन टोन, पोर्स, ऑयलनेस, ब्लेमिश, झाइयाँ, जूर्रियाँ और अन्य प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपकी स्किन को बेदाग बनाएगी ये रेमेडी, और वाइट एंड ब्राइट बनाएगी। पार्लर जैसा ग्लो आपको पहली बार के इस्तेमाल से मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने कच्चा दूध। देखिए, कच्चा दूध इतना बढ़िया होता है स्किन के लिए। इसमें लैक्टिक एसिड जो होता है ना, वो आपकी स्किन की सफाई भी करता है, स्किन से दाग धब्बों को भी हटाने में हेल्प करता है और स्किन को गोरा भी बनाने में हेल्प करता है। तो मैंने ले लिया है एक चम्मच कच्चा दूध और आधी चम्मच में डाल दूंगी इसमें चीनी। और चीनी भी अल्फा हाइड्रोक्सीड एसिड होता है चीनी में, और दूध में भी होता है। दोनों में अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो आपकी स्किन पर ये कमाल कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कर रही हूँ इन्हें मिक्स। इससे करेंगे हम चेहरा साफ, स्किन साफ होगी इससे। ये है एक नेचुरल सा क्लिंजर, बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोनों मिलकर आपकी स्किन की सफाई करेंगे, डार्क स्पॉट्स को घटाने में और रिंकल्स को घटाने में, झाइयों को घटाने में बहुत हेल्प करेगा, और स्किन की गंदगी, डेड सेल्स सब खत्म करके आपकी स्किन पर निखार लाने में ये क्लिंजर बढ़िया हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए, कर रही हूँ इसे मैं बढ़िया तरह से मिक्स। फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, आपकी स्किन में चार चांद लगा सकती हैं, बस सही तरीके से लगाना आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आपको इसे मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा लेना है। कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। हाथ पर लगाकर एक कॉटन ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर इसमें भिगोकर दूध में अच्छी तरह से आपको लगानी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मेकअप किया है ना तो उसे साफ कर लीजिएगा, रोज वाटर से कर लीजिएगा और फिर इसे अप्लाई करिएगा। कॉटन भिगोकर अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर आपने ये लगाना है। बढ़िया तरह से आपके डेड सेल्स साफ हो जाएंगे, धूल मिट्टी गंदगी जो भी है वो भी साफ कर देगा ये क्लिंजर हमारा। और बढ़िया तरह से आपको इसकी मसाज कर लेनी है, जैसे क्रीम की मसाज करते हैं ना, ऐसे ही ये आपकी स्किन को खूबसूरत तरीके से निखारेगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा आपकी स्किन पर। और ये आपको करना है कम से कम 2-3 मिनट तक। देखिए, कॉटन में जितना भी मैल होगा सब आ जाएगा, और फिर आपको अपना चेहरा धो लेना है। 2 मिनट तक अच्छे से साफ करके रगड़ के आपको नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लेना है। और देखिए, मैंने भी हैंड वॉश कर लिया है। बढ़िया तरह से देखिए स्किन कितनी साफ हो गई है, क्लीन हो गई है बिल्कुल, ऐसे ही आपका चेहरा हो जाएगा। तो फिर बनाना है आपको फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए देखिए, इसी रेमेडी में हम दूसरी रेमेडी बनाने वाले हैं, इसी दूध और चीनी में, इसे वेस्ट नहीं करना भैया, ये भी काम में आएगा। तो देखें, यहाँ पर लिया है मैंने ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट हैं, भरपूर विटामिन सी है, और भी अन्य अच्छी अच्छी इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी स्किन पर जाने वाली है। तो ये मैंने घर में पीस के रखा हुआ है, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं एक चम्मच ले लूँगी, ये आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, रिंकल्स को हटाने में बखूबी काम करेगा, स्किन को बढ़िया वाइट एंड ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करेगा संतरे के सिल्के का पाउडर। फिर ले लेनी है आपको यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी स्किन से सारी इम्प्योरिटी को दूर करती है, ऑयलनेस को ख़त्म करती है, डार्क स्पॉट्स को घटाती है, पिंपल को घटाती है, स्किन को टाइट करती है, वाइट एंड ब्राइट बनाती है। तो एक चम्मच ले लिया मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। फिर लेना है देखिए आपको यहाँ पर एक चम्मच मसूर की दाल का पाउडर। मैं यहाँ पर आधा चम्मच ले रही हूँ, आप चाहे तो आधा चम्मच ही ले लीजिए। इसमें भी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी झाइयों को, जुड़ियों को, रिंकल्स को ख़त्म करने में हेल्प करेगी, स्किन को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मसूर की दाल। तो आपको देखिए, फिर थोड़ा सा दूध और डालकर इन सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स बढ़िया तरह से। ये बन जाएगा हमारा एक खूबसूरत सा फेस पैक। दूध डालती रहूँगी मैं यहाँ पर और इसे मिक्स करती रहूँगी। ये एक नेचुरल सा बहुत ही प्यारा सा हमारा फेस पैक बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाला है, सच कह रही हूँ। डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन तो ख़त्म होगी ही, साथ ही साथ आपकी स्किन अंदर से निखर कर आएगी, अंदर से आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करके अंदर से निखार लाएगा ये फेस पैक आपकी स्किन पर।
सारी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स ये नेचुरल हैं, आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप इन्हें ज़रूर लगाइएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है। बाज़ार में क्रीम लाते हैं, पार्लर में जाते हैं, फेशियल कराते हैं, चमक सिर्फ दो दिन रहती है, फिर वही स्किन डल पड़ जाती है। तो ये नेचुरल चीज़ें लगाया करें, हमेशा के लिए प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा स्किन की और चमक बरकरार रहेगी और घर बैठे खर्चा भी बहुत कम लगेगा। तो आपको मिक्स करके इसे अपने चेहरे पर लगा लेना है, तो चाहे तो आप ब्रश से लगा लीजिए, चाहे हाथ से लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स मैं लगा कर दिखा रही हूँ आपको, हाथ पर ऐसे लगाना है आपको, देखे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर लगा लेना है। पहले कर लिया हमने चेहरे को क्लीन क्लींजर से, और अब लगाना है फेस पैक पूरे चेहरे पर। आपको इसे लगाकर अच्छी तरह से कवर कर लेना है पूरे चेहरे को, यह आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा और स्किन को अंदर से निखारेगा, दाग धब्बों को, झाइयों को, झुर्रियों को ख़त्म करेगा डे बाय डे। जैसे जैसे आप इसे यूज करते रहेंगे ना, तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करता चला जाएगा। तो आपको लगाकर इसे छोड़ देना है कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए, इतना तो देना ही होगा टाइम, क्योंकि अच्छी तरह से वर्क करेगा स्किन पर। और 15-20 मिनट के बाद आपको अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लेना है और फिर पोंछ लेना है। वो इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि बाद में एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको जो लगानी है। पहले आप रिजल्ट देखिए, मैंने रखा इसे सिर्फ 15 मिनट हाथ पर, आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बढ़िया आया है। ये देखिए स्किन कितनी क्लीन हो गई, कितनी साफ़ हो गई और रंग भी निखर गया है मेरे हाथ का। तो ऐसे ही आपका चेहरा होने वाला है जब आप इसे कंटिन्यू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे हफ्ते में 4 दिन ज़रूर करिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे हफ्ते में 4 दिन ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए नीचे से हाथ ब्लैक है, ऊपर से वाइट है, तो ये कलर आपके सामने चेंज हुआ है मेरे हाथ का। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही बढ़िया नेचुरल रेमेडी है। यहाँ पर हैंड वॉश कर लिया मैंने पूरी तरीके से, ये देख सकते हैं आप कितनी स्किन चमकदार हो गई है, कितनी साफ़ हो गई है। फ्रेंड्स इस रेमेडी से आपको किसी साबुन, किसी फेस वॉश की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, ये आपकी स्किन को खूबसूरत तरीके से क्लीन करने वाली है। तो आज का जो फेशियल है ना, ये पूरा ऐसे ही करना है आपको। तो आपको ले लेना है फिर, देखिए या तो रोज़ वाटर ले लीजिए या एलोवेरा जेल ले लीजिए, इन दोनों में से आपको एक चीज़ लगानी बेहद ज़रूरी है। इससे ये होगा आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, ग्लो मेंटेन रहेगा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर पैक की रेमेडी के बाद में। तो आपको जो सूटेबल हो आप वो लगा सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ लगा कर दिखा रही हूँ। वैसे चेहरे पर भी मैं एलोवेरा जेल ही ज़्यादा लगाती हूँ, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, ग्लो को मेंटेन रखेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, रिंकल्स को हटाने में बखूबी काम करता है एलोवेरा जेल, खूबसूरत स्किन बनाएगा, चमकदार स्किन बनाएगा। तो पूरी वीडियो को देखकर फ्रेंड्स आपको ठीक ऐसी रेमेडी यूज करनी है। यहाँ भी देख सकते हैं आप क्या विजिबल चेंज आया है, इधर वाला हाथ मेरा कितना चमकदार है, कितना निखरा हुआ है, और इधर वाला हाथ मेरा बिल्कुल ब्लैक है, डल है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप रेमेडी है। इसके बाद कोई साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर आऊँगी आपके लिए बहुत अच्छी सी प्यारी सी रेमेडी लेकर। अपने ऊपर लगाती हूँ, रिजल्ट अच्छा आता है जब मैं आपसे ये वीडियो शेयर करती हूँ, 100% विश्वसनीय वीडियो होती है फ्रेंड्स। तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बाय।